जो तूने किया मेरे साथ किसी और के साथ ना करना। मुझको तो किया बर्बाद किसी और को तू ना करना। जी एक्चुअली मेरे पास पहले फ़ोन आया था जी का लाइक 4 years back, 4 साल पहले, एंड देन तभी कुछ बात बनी नहीं थी संभव। तो बंगाल में तो मेरा काम जैसा चल रहा है, प्लेबैक एंड ऑल सब कुछ कर रहा था। सो 2021 अराउंड जून और जुलाई तभी मेरे पास कॉल आया जी से, अनुराग सर ने कॉल किया, अनुराग बेदी सर। तो उसके बाद आई गॉट द फर्स्ट सॉन्ग फॉर द मूवी बोले चूड़िया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एंड वहाँ पे मैंने 2 गाने गाए। एक का नाम था तुम पे हम तो, और एक सॉन्ग का नाम था नहीं बोलना। ये दोनों गाने मैंने गाए थे। देन उसके बाद एक एक करके गाना रिलीज़ होते गए, एंड फिर जैसा जैसा काम आता गया डिफरेंट कंपोजर्स एंड ऑल, एंड बट जर्नी अभी तक मतलब इट्स क्वाइट प्लेजेंट, अच्छा है। ओके, आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज अ बिग स्टार, एंड पहले मूवी के लिए, पहले सॉन्ग के लिए बॉलीवुड में उनके लिए गाना, उनके मूवी के लिए गाना, इट्स अ बिग डील एक्चुअली। तो थोड़ा नर्वस भी था बिकॉज उसको डिलीवर भी वैसे करना, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी वही वैसा है कि अगर पहला कॉल आया, पहला गाना दिया और ठीक से अगर कर नहीं पाया तो खुद के लिए भी बहुत मतलब टेंशन की बात हो गई। बट समहाउ आई मैनेज, एंड सर को भी अच्छा लगा, एंड द सॉन्ग केम आउट गुड, पब्लिक ऑल्सो फेल गुड। ओके, क्या ब्रीफ था जब मैं खास इस गाने की बात कर रहा हूँ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? हाँ, डायरेक्टर का क्या ब्रीफ? उनका ब्रीफ एग्जैक्टली कुछ था नहीं, इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, बट क्योंकि अभी प्लेबैक वैसा नहीं होता जहाँ पे लिपसिंक होता है, तो इसलिए उतना ब्रीफ नहीं रहता कि कैरेक्टर के हिसाब से गाओ या वैसा। तो नॉर्मली ब्रीफ था कि इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, तो जितना प्लेजेंट स्मूथ इसको गाया जा सकता है। आपको पता था नवाज के लिए प्लेबैक कर रहे हैं आप? आपको हाँ हाँ जी जी, ये मुझे पता था, ये मुझे बताया गया था। हाँ नहीं, बात नवाज भाई से बात नहीं हुई जी। ओके, विद्युत जामवाल का जी, वो भी यंग है जी जी जी, हाँ उसका जो था इट्स फॉर सनक मूवी के लिए मैंने गाना गाया था। देन इट ऑल्सो केम फ्रॉम जी एक्चुअली, सो उसका भी कुछ अलग से ब्रीफ नहीं था, बट क्योंकि वो पेपी नंबर था एंड म्यूजिक वॉज बाई चिरंतन भट्ट, तो उनका म्यूजिक नॉर्मली थोड़ा अलग रहता है क्योंकि वो वेस्टर्न पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सो इसलिए तो और गाना इतना इंटरेस्टिंग था कि ब्रीफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये गाने में नॉर्मली मैं गाते वक्त ही कुछ अलग चीज़ें निकल आया, क्योंकि नॉर्मल जब आप नॉर्मल कोई काम करते हो उसके बाद कोई अनयूजुअल काम होता है तो कुछ चीज़ें नया निकल जाता है। सो अमित जी के लिए भी आपने गाना गाया, तो हाँ वो कैसा गाना और क्या? वो एक एक गाना उन जवाब देंगे तो नसीब वाला, वो नवाजुद्दीन वाला और बोले चूड़िया हम सभी नसीब वाला। ओके, बोले चूड़िया का तुम पे हम तो सिंग, तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं। माइकल जैक्सन को जो बॉलीवुड से नहीं मतलब रिलेवेंट नहीं है, बट बचपन से वही था मतलब। इंडस्ट्री में आइडल वैसा कुछ अलग से कुछ था नहीं, बट सॉन्ग के हिसाब से मैं कुमार शानू को सबसे ज़्यादा पसंद बचपन से करते आया हूँ, क्योंकि 94 में मेरा जन्म हुआ, उसके बाद से कुमार शानू के गाने में मतलब लगातार दिन भर सब सुनता गया, तो नेचुरली वो टेस्ट जब बैठ गया ज़्यादा। ओके,
नहीं अनफॉर्चुनेटली वो भी बंगाल से मैं बंगाल से दोनों का अभी तक मुलाकात हुआ ही नहीं है। आई होप जल्दी हो जाए। ओके किसी एक मेरे इंडस्ट्री से किसी एक आर्टिस्ट जिसके लिए आप प्लेबैक प्लेबैक करना चाहेंगे? सबके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी रणबीर कपूर देन रणवीर सिंह। रीज़न कुछ है नहीं बट क्या है रणबीर कपूर का आई थिंक उसका क्योंकि मैंने देखा है ना लाइक रॉकस्टार में उन्होंने गाया था सड्डा तो आई हैव सीन हिम लाइक सिंगिंग द सॉन्ग्स तो उनका जो गला का नस वगैरह वो सब निकला था गाने में इतने रियलिस्टिक किया था तो वो देखने बहुत इंटरेस्टिंग हो कि मेरा गाना जब वो गा रहे हैं तो उसको देखने में कैसा लग रहा है कि माई वॉइस इन डिफरेंट फेस कैसा आ रहा है बिकॉज ही सिंग्स सो रियलिस्टिकली। मतलब व्हाट्स अपकमिंग? मुझे कुछ पता नहीं है मतलब आपको तो पता है अभी गाना गाता हूँ रिलीज़ कब होता है मालूम बहुत कम मतलब पता चलता है अनटिल अनलेस म्यूज़िक डायरेक्टर बहुत फ्रैंक है मेरे साथ मतलब फ्रैंक होने के बाद भी उनको भी कभी कभी पता नहीं चलता तो इट्स वेरी टफ टू से मतलब कुछ है सामने पढ़ाई में कलकत्ता से बॉलीवुड आया हाँ जब बॉलीवुड में गाने रिलीज हुए थे और अभी जो राजकुमार राव की आई बधाई दो ये सब मूवीज में गाने के बाद सिंगल्स जैसे इतने सारे रिलीज हो चुके हैं हर महीने ऑलमोस्ट आपके 3 गाने आ रहे हैं। नाउ व्हेन यू गो टू बैक टू बंगाल हाउ इज योर लाइफ एंड हाउ इज द रिएक्शन? ऑनेस्टली कुछ उतना बदला नहीं क्योंकि बंगाल में क्या है इट्स अ डिफरेंट इंडस्ट्री सो वो उतना मतलब आई डोंट नो वो लोग खबर रखते हैं कि नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है कि नहीं बट हाँ आउटलुक थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ है क्योंकि एक बार बॉम्बे में आपका बॉलीवुड में काम निकल आता है तो वहाँ पे भी अलग थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है पर कभी ध्यान दिया नहीं तो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे फील अबाउट मी राइट नाउ। मेरा अभी तक का सबसे फेवरेट सॉन्ग रहा दो गाने हैं एक्चुअली एक है चले आते हैं और एक है विवेक दा का बैठे मेरे सामने तू बैठे मेरे सामने तुम्हें उतना अभी याद नहीं हुकलाई नहीं याद है लेकिन तू बैठे मेरे सामने मैं देखूं बार बार तू बैठे मेरे सामने मैं देखूं बार बार आँखों से करूं तुझको प्यार तू बैठे मेरे सामने मैं देखूं बार बार।